संभालू मिया, तुमने आज क्या जादू कर दिया? जादू? मैंने कौन सा जादू? अरे यार नहीं तो क्या, अभी अभी यास्मीन यहाँ से इठलाती और मुस्कुराती हुई जा रही थी। कमरू मिया, एक राज की बात है, किसी से कहोगे तो नहीं? अरे मेरे इस दिमाग के गोडाउन में दुनिया भर के पड़े पड़े सड़ रहे हैं राज, और जिसकी एक बदबू अभी तक किसी को नहीं आई। वो क्या है ना, यास्मीन ने ना मुझे खत दिया है, अपने दिल की बात उसमें कही है। अच्छा, अरे जरा हम भी तो देखें क्या लिखा है इसने। लेकिन ना एक एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है मुझे बताओ तुम। वो खत ना अंग्रेजी में लिखा है और मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। अरे तो मैं तुम्हारी खिदमत में हूँ, मुझे दो, मैं पढ़ के बताता हूँ। मुझे अंग्रेजी तो आती है। तुम्हें अंग्रेजी भी आती है? अरे मुझे तो दुनिया की हर जुबान आती है। हर जुबान आती है दुनिया की? पर शर्तें वो उर्दू में होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर ये लो पढ़ो। लेकिन एक मिनट रुको, पहले तुम अपने कान बंद कर लो। अबे ये क्या कर रहा है तू? मैं नहीं चाहता कि तुम ना खत को सुन सको। अरे हम तो अपनी आंखों से भी सुन लेते हैं खत को। आंखों से भी सुन लेते हो? तो मैं तुम्हारी आंखें बंद कर देता हूँ। देखो अगर तुम्हें हमारे पे यकीन नहीं है तो ये पकड़ो अपना खत और जाके किसी और से पढ़वा लो। नहीं कमरू मियां, मुझे तुम पर यकीन है, ये लो पढ़ो। मेरे प्यारे दिल के सहारे। कमरू मियां, तुम ये अंग्रेजी का खत उर्दू में क्यों पढ़ रहे हो? भाई देखो इसमें जो लिखाई है ना वो तो अंग्रेजी की है मगर जबान उर्दू की है, उर्दू की। इसका मतलब ये हुआ कि देखने में कुछ और अंदर से कुछ और। सुनो मेरे प्यारे दिल के सहारे, जमाल मियां तुम्हारी भोली और प्यारी प्यारी बातें मेरे दिल पर ऐसा जादू कर दिया है कि अब मेरी धड़कनों की पटरी पर तुम्हारी यादों की ट्रेन दौड़ती है। चुक 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 चुक। मेरे ख्वाबों के रेडियो में हरदम तुम्हारे ही मोहब्बत के गीत बजते हैं। डुम 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 डुम। मेरी सांसों के मोबाइल पर हर वक्त तुम्हारी चाहत के SMS आते हैं। सुप, सुप। अपने अपने दिल के प्रेम में, अरे ये क्या लिखा है, और मैंने अपने दिल के प्रेम में तुम्हारी तस्वीर फिट कर ली है। दिल के फ्रेम में। हाय हाय हाय। जालिम जालिम। अरे और तो सुन ले। अच्छा और भी है। और मैं अब तुम्हारे को अपने से जुदा नहीं कर सकती। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी यास्मीन। हाय मेरी और सिर्फ मेरी। हाय हाय कमरू मियां, जालिम ने अपनी दिल की बात कही है। अरे मेरे तो दिल की दुनिया में हलचल मच गई है। ओ तू पागल तो नहीं हो गया? पागल हो गया क्या? कमरू मियां बोल बोल। कमरू मियां मेरे ना गाल पर एक तमाचा तो मारो। तमाचा किस लिए भाई? अरे मैं यकीन करना चाहता हूँ कि ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। गबरू भैया, मैंने तो तुमसे तमाचा मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? मियाँ वो इसलिए मारा, तुम्हें बताना था ना कि तुम सपना नहीं देख रहे, हकीकत 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 है ये। गबरू भैया तुमने सुना क्या? यास्मीन ने कहा है खत में कि उसने मेरी तस्वीर को ना अपनी आंखों में छुपा रखा है। उसने तेरे को उल्लू बनाया, उल्लू। क्या पकते हो, मुझे उल्लू बनाया है? और नहीं तो क्या। अरे मैं बता रहा हूँ, उसने यही वाला खत करीम को भी भेजा। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई मेरे हाथों ही भिजवाया उसे खत। ऐसा ही सेम। कमरू मियां यास्मीन ने मेरा उल्लू बनाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जोसेफ, वेलकम। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरे ख्याल से तुम सारी रात कैफे के दरवाजे के लिए।
सच कहूं तो लास्ट 11 दिसंबर से मैं इस 10 दिसंबर तक का इंतजार कर रहा था। लगता है कहीं तुम्हारी जिंदगी ना कट जाए इंतजार करते में। इस इंतजार में मजा आता है, तकलीफ नहीं होती, और ये बात तुम नहीं समझ सकते जोसेफ। ओके, बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू। वैसे बाय द वे तुम्हारा आज बर्थडे है और मैं तुम्हारे वास्ते कुछ गिफ्ट लाया। तुम क्या सोचता है कि तुम इन कीमती गिफ्ट्स को देखकर मुझको अपनी ओर कर सकेगा? मैंने तुमको कितनी बार कहा कि आई डिसलाइक यू। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें अपनी ओर कर लूं? इस तोहफे की कीमत कुछ भी नहीं, तब तो भाई ऐसा। लेकिन हमारा तो कदर करो, मोहब्बत करता हूं। लव, तुमको इसका मीनिंग भी मालूम? देखो कैथरीन, तुमने मेरा हर बार इंसल्ट किया है। चलो कोई नहीं, लेकिन आई लाइक यू। एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुमने अच्छा दोस्त, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी के दोस्त भी बन सकते हो। क्यों, मेरे अंदर दिल नहीं है? ये तुम खुद से पूछो, क्या क्या बैड हैबिट्स नहीं है तुमने? सभी इंसान में होते हैं बैड हैबिट्स। सरप्राइज, तुम में नहीं है? वेल, बैड हैबिट्स तो है, पर एक बात और बता दूँ, शायद तुमको कम सुनाई देता है। तुमने सुना नहीं कि कैथरीन ने तुमसे क्या कहा? मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। I dislike you। पर अपन तुमको दोहराएं। Can't you understand? कैथरीन, अपने को तो समझा सकते हो। Please, don't start again। Okay। Go away। Okay, thank you। पर जाने से पहले एक मैं बात कहना चाहता हूँ। तुमने छोटे सिक्के को चुना है। मुझको अपने लाइफ में क्या करना है ये मुझको सोचना है, इसका चिंता करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। Do you understand now? Best of luck. Thank you. ध्यान से देख लो। देख रहा हूं। ध्यान से देखो, दोनों खत की लिखाई एक जैसी है ना? हाँ, बिल्कुल एक जैसी है। और दोनों में दिल में तीर भी एक तरह से पार किया गया है। हाँ, और दिल भी दोनों पे एक जैसा बना हुआ है। लेकिन अगर उसके परिवार वालों को पता चल गया तो क्या होगा? अरे तो वो लोग यास्मीन को ही डांटेंगे, क्योंकि सारा का सारा कसूर उसी का है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। अब तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन आया? कमरू मियाँ, यास्मीन ने करीम के खत में क्या लिखा है? अरे मेरे लाल, वही तेरी तरह झूठे प्यार का इजहार। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यास्मीन ने मुझे उल्लू बनाया है? अबे तुझे ही नहीं, उसने हम दोनों को भी उल्लू बनाया है। तो मैं उससे अपनी उसे मैं मजा चकाऊंगा। अरे तो तुम क्या करोगे? मैं जाकर उसकी डैडी को सब कुछ बता दूंगा। अरे नहीं, हमें उससे अपनी बेइज्जती का बदला इस तरह से लेना है कि वो जिंदगी भर याद रखे मेरे लाल। हाँ। लेकिन हम अपनी बेइज्जती का बदला किस तरह लेंगे? हम उसकी शादी में इतनी अड़चन डालेंगे कि वे बिना शादी किए ही अमेरिका चली जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? अबे देख, उसकी शादी का इश्तिहार दिया गया हुआ है, ठीक है? उसे देखने लड़के आएंगे, ठीक है? उसे हम उन सारे लड़कों को ये दोनों खत दिखाएंगे और उनसे कहेंगे, देखो भाई, इस लड़की का करेक्टर ठीक नहीं है। हाँ। और ये है ना, लड़की हर किसी लड़के के साथ में झूठे प्यार का इजहार करती है, तुम्हारी उन्हें तरह। हाँ, और फिर वो लड़के भड़क जाएंगे। हाँ। और उससे शादी करने के लिए इनकार कर देंगे। यस, यही होगा हमारा बदला। हाँ। तो मिलाओ हाथ। क्या हुआ? लेकिन अगर उसके घर वालों को पता चल गया तो? अरे तो वो तो उसको ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे, क्योंकि सारा कसूर उसी का है। हाँ,
ये सही है तो फिर मिला भात मिला कर। Well, young man, तुम हमारे पर बहुत पैसा खर्च करता है। अंकल, जो सब जिसको लाइक करता है उसके पीछे पैसा खर्च नहीं करता बल्कि पैसा लुटाता है वह, लुटाता है। Oh, you are great, my boy, you are great. अंकल, तुम्हें कुछ मालूम है, कैथरीन आजकल सरफराज के पीछे लफड़ा होने का मांगता है। तुम उसको समझाओ, उसका कल्चर हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। वो डेली डेली नाइट घूमता, डेली रात को आता, डिस्को से आता, पार्टी से आता। अपन में कुछ नहीं बोलता क्योंकि अपन उसे प्यार करता है, अंकल प्यार करता है। ओके ओके, डोंट वरी माय लैड, मैं उसको समझाएगा, जरूर समझाएगा। यू डोंट वरी माय बॉय, यू डोंट वरी। ओके अंकल, थैंक यू अंकल, मेरे डियर अंकल। साथ वो सरफराज भी था, बोलो था कि नहीं? हाँ था, तो क्या हुआ? पूछता है क्या हुआ? अरे हमको सोसाइटी में रहने का है, तुम देर रात तक पराया छोकर के साथ घूमेगा तो लोग क्या बोलेगा? पर डैडी, सरफराज पराया नहीं है, वो मेरा होने वाला हस्बैंड है। गुड, वेरी गुड, होने वाला हस्बैंड। मैं पूछता हूँ, तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया क्या? उसका घर वाला इधर आकर तुम्हारा हाथ मांगा क्या? सरफराज तुमको अपने घर ले गया और अपना और तुम्हारा रिलेशन के बारे में बोला क्या? बस खाली वो बोला और तो मान लिया? डैडी, try to understand. सरफराज पर मुझे पूरा भरोसा है। मगर हम ऐसा अंधा भरोसा नहीं करेगा, हमको रिस्क लेना नहीं मानता। जब तक तुम्हारा और उसका एंगेजमेंट नहीं हो जाता तो मुझसे नहीं मिलेगा। डैडी, it's too much. हम कुछ सुनना नहीं मानता, ये हमारा आखिरी फैसला है। क्या कहा? तो तुमने जमालू को बोतल में उतार लिया? बिल्कुल भाई, जब हम अच्छे खासे इंसान को उल्लू बना सकते हैं तो वो बेचारा तो पैदाइशी बेवकूफ है। बोतल में इस तरह उतरा जैसे धुआं। चलो, एक काम तो बहुत अच्छा हुआ ना यास्मीन के हक में। यार मेरा भी यही मानना। वैसे शतरंज की इस चाल में ये प्यादा हमारे बहुत काम आने वाला है। कहते हैं अक्लमंदों ने हमेशा बेवकूफों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है, लेकिन अक्ल का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो बेवकूफों से भी कई काम निकलवाए जा सकते हैं। भाई मेरा भी है वो। कैथरीन का फोन। उठो उठो उठो। हाँ कैथरीन, कहो कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ क्या कहा? ऐसा कहा उन्होंने? मगर उनको हो क्या गया है? तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। अरे बाबा, मैंने बोला ना टेंशन मत करो। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। कोई प्रॉब्लम? बिग प्रॉब्लम यार, बिग प्रॉब्लम। बैठ। क्या हुआ? कैथरीन के डैडी ने दोबारा तिरछी चाल शुरू कर दी है। अबे अब क्या हुआ उस सनकी को? वो कहता है कि जब तक बाकायदा हम दोनों की एंगेजमेंट नहीं हो जाएगी, हाँ? मैं और कैथरीन मिल नहीं सकते। सत्यानाश भाई, इस बार तो सनकी ने कुछ ज्यादा ही बड़ी अड़चन लगा दी। अब तो बेचारी कैथरीन को यही गाना गाना पड़ेगा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, जुलम ढायो डैडी, सितम ढायो रे। करीम, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रही है। भाई कहते हैं कि मजाक का मजाक उड़ाने से मजाक चली जाती है। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे, थोड़ी देर के लिए सीरियस हो सकते हो। ओके बाबा, ओके, हो गया। अच्छा ये बता, ये मिलन पे पाबंदी क्यों?
कैथरीन के डैडी को शायद यकीन नहीं है कि मैं कैथरीन से शादी कर पाऊंगा। भाई फिलहाल तो सारे हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं। मैं ये सारे के सारे हालात बदल दूंगा। हाँ, जब तक तुम्हें फिर कैथरीन से भी तो दूर रहना पड़ेगा। बात तो सही कही तुमने। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां। तेरे किस्मत में भला क्यों, तेरे किस्मत में भला क्यों, लिख दी रब ने सिसकियां। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियां। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए, रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए, खुशियां तुझको छू सके ना, गम ये सारे जुड़ गए, बस घुटन मेरी रहे, खुल न सकी ये खिड़कियां। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों, लिख दी रब ने सिस किया। जिंदगी लेती रही हो हिचकियों पे हिचकियां, जिंदगी लेती रही हो हिचकियों पे हिचकियां।